हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बैकनेक की फार्मा कटिंग देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कार्डशीट पेपर लिया है डबल फोल्ड में, आप डायरेक्ट बुकरम भी ले सकते हैं। तो यहाँ से ये बंद साइड है और ये ओपन साइड है। तो सबसे पहले हम यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे, जो भी आपकी है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे गले की चौड़ाई ले सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ से 2.5 इंच लूँगी। तो यहाँ से हमने गले की चौड़ाई ली 2.5 इंच, और यहाँ से हम नेक की लेंथ लेंगे। तो मैं नेक की लेंथ लूँगी 10 इंच, तो उसमें 1/2 इंच मिलाऊंगी, 10.5 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्किंग करूँगी और इसे इस तरह से एक लाइन दूँगी। अब मैं यहाँ से ऊपर से 8 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करूँगी। तो देखिए मैंने 8 इंच पे मार्किंग किया यहाँ से, और नीचे से हम चौड़ाई लेंगे 3 इंच। तो 3 इंच मैंने यहाँ से नीचे से लिया, ऊपर हम तो यहाँ सीधी एक लाइन पे ऊपर से यहाँ तक हमने 8 इंच पे एक मार्किंग की। अब मैं यहाँ से इस कॉर्नर से इस तरह से हाफ राउंड शेप दूंगी और इससे यहाँ पे मिलाऊंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे मिला दिया। अब मैं इसे इस तरह से करूँगी और यहाँ से इस तरह से भी राउंड शेप दूंगी। फिर मैंने यहाँ पे मिला दिया इस तरह से, और यहाँ से हम पैच बनेंगे। तो ये हमारे पैच रहेगा। अब दूसरे 1/2 इंच पे हम इसे दूसरा शेप देंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे, पहले बाहर की ओर से पहले कट करेंगे। अब इसे यहाँ से जैसा शेप है वैसे ही हम इसे कट कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर सा डिज़ाइन आया है ये देखिए इस तरह से। और इसके ये बीच का पैच रहेगा, आप चाहे इसे लगा भी सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। इसे ऐसे भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर अपन एक आपको लगता है कि बड़ा हो गया है तो आप इसे पैच बना के इस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए ऐसा भी ये डिज़ाइन बढ़िया दिखता है और ऐसा भी ये बहुत ही बढ़िया दिखता है। तो आपको जैसा चाहिए आप पैच का लगा सकते हैं या बिगर पैच का। तो आपको ये मेरा नेक का डिज़ाइन पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।